इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। रमजानुल मुबारक के मद्देनजर किस तरह से हुकूमत से सहूलतें हासिल कर सकते हैं और दूसरी तरफ कोरोना जैसे आलमी वबा से किस तरह बच सकते हैं, लिहाजा एक बार फिर बेलगाम पुलिस इंतजामिया की जानिब से मीटिंग तलब फरमाई गई, जिसमें कई बातें इंतजामिया के पेश नजर किया गया। तो बेलगाम पुलिस इंतजामिया ने भी मुस्लिम जमातों से मुकम्मल ताउन की अपील की। इससे पहले भी रमजान उल मुबारक के पाक महीने में अजान नमाज तरावी को लेकर कई बार मीटिंगों का एहतमाम किया गया। DC MB बोम्मनहल्ली से सदर अंजुमन वफ चेयरमैन और साबिक रुकन असेंबली तमाम जिम्मेदारान ने बेलगाम शहर में बढ़ते कोरोना मरीज और रमजान करीम से मुतालिक मसलों पर गुफ्तगु फरमाई थी। उलमाए किराम से भी मशवरा किया गया था और भी दिगर मसाइल, जैसे कि जिन लोगों के क्वारंटाइन किया गया है इनकी बेहतर देखभाल, मेडिसिन वगैरह। आज भी रमजान महीने में मुसलमानों के इबादत को लेकर कुछ हिदायत वफ की जानिब से तो कुछ तब्दीलियां। बेलगाम शहर में COVID-19 के पॉजिटिव मरीजों के मद्देनजर तबादले ख्याल किया गया। ACP नारायण बर्मनी साहब ने कोरोना एक आलमी दुश्मन है और इससे किस तरह शिकस्त दी जाएगी इस पर बताते हुए कहा कि बेलगाम के तकरीबन मामले बदकिस्मती से एक ही समाज एक ही माशरे से होने की वजह से गलत फहमियों में इजाफा होता जा रहा है। बेवजह बाहर घूमने वालों में भी इजाफा हुआ है। अगर लाठी का इस्तेमाल भी करते हैं तो पुलिस जुल्म ज्यादती कर रही कहा जाता है। फिर नई तरकीब भी निकाली जाती है कि खवातीन को पीछे बिठाकर बाजारों का चक्कर लगाया जाता है। 10 रुपए का सौदा करना होता है तो वहां पर भी मियां बीवी साथ जाते रहते। आखिर हम अपने घरों से दूर रहकर सुबह से शाम तक चौराहे गलियों में किस लिए खड़े होते हैं, ऐसा सवाल भी उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि आवाम समझने के लिए कोई भी तैयार ही नहीं कि तमाम कोशिशें तुम्हारी ही बेहतरी के लिए। आसिफ राजू सेठ ने डॉक्टर नर्सिस का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने खिदमात को बेलौस वो निभा रहे हैं और अंजाम दिया जा रहा है। बेलगाम मुस्लिम जमाते उलमाए बेलगाम की जानिब से रमजान महीने में कुल 5 लोग मस्जिद में तरावी और जमातों का अहतमाम करेंगे और खत्म वक्त सहर और वक्त इफ्तार का ऐलान मस्जिद के स्पीकर से देने का मुतालबा पेश किया गया है। मुकम्मल पुलिस महकमा बेलगाम ने अंजुमन इस्लाम और वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी पर मुतालबे को मंजूर करने का फैसला सुनाने का वादा किया है। इस वक्त अब जनाब अब्दुल गफूर घी वाले साहब ने वक्फ बोर्ड बेंगलुरु की जानिब से दिए गए तमाम हिदायत को पढ़कर सुनाएगा। मुफ्ती अब्दुल अजीज साहब, शाहिद मेनन साहब, समीउल्लाह माडेल साहब, कटगरी हजरत साहब, फजल पठान, आजाद मुल्ला और दिगर जिम्मेदारान मौजूद थे। ACP नारायण बर्मनी साहब, ACP चंद्रप्पा, माल मारुति CPI आरबी गड्डेकर साहब, APMC CPI जावेद मुशापुरी साहब, मार्केट CPI शिवयोगी साहब और दिगर अफसरान भी मौजूद थे। तमाम मुसलमानों को हम तमाम की जानिब से, इत्तेहाद न्यूज़ की जानिब से आप सभी को रमजान उल मुबारक। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। नमस्ते। पूरा बेलगाम तमाम हर कम्युनिटी का लोग बहुत कुछ बहुत तरीक़े से हम एडमिनिस्ट्रेशन को खासतौर से पुलिस के साथ साथी दे रहा है। पुलिस का इम्प्लीमेंटेशन जो गवर्नमेंट का इम्प्लीमेंटेशन है एनफोर्समेंट कुछ ये वायरस जो जान का खतरा है पूरा इंसान को पूरा दुनिया में इंसान को खतरा के ऐसा है इसका कंट्रोल करने के लिए और ज़्यादा लोगों के लिए इफेक्ट नहीं होना जैसा हम दिन रात जैसे बोले जमील साहब पूरा बीवी बच्चों को फैमिली को छोड़ के हम दिन रात काम कर रहा रास्ते में खड़े के और वो इसमें आप लोग कुछ ज़्यादा कम इफेक्ट हो गए तो भी पूरा लोग एडमिनिस्ट्रेशन को और खासतौर पुलिस को साथी दे रहा बहुत बहुत शुक्रिया अदा देता डिपार्टमेंट की वजह से और खुद के ओर से। और आने वाला दिन और 2 दिन के बाद और रमजान महीना होली महीना शुरू होने वाला है। ये रिक्वेस्ट है सही ये वायरस ये दुनिया से जाने के लिए सबके अच्छे के लिए दुआ करिए और ये त्यौहार होली त्यौहार है आप मनाइए। आप कैसा मनाने के लेकर के हमारा सीनियर्स कम्युनिटी के सीनियर्स को बुजुर्गों को उलेमा और मौला लोगों को बुला के सजेशन लिए कैसा अच्छा तरीक़े से ठीक तरीक़ा से ये त्यौहार मनाएंगे या रमजान महीना के लिए पे करेंगे करके आप सब जो सीनियर लोग बुजुर्ग लोग पूरा सजेशन दिया सो हम एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस डिपार्टमेंट आपका आपके साथ है आपको साथ ही देगा ठीक से मनाने के लिए। और कुछ रिस्ट्रिक्शंस के बारे में गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पूरा फैसिलिटेट कर रहा
जिसका जिसका पॉजिटिव आया है उनको प्राइमरी कॉन्टैक्ट सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स लाज में रखे, पूरा इरिस्पेक्ट ऑफ कम्युनिटी, जिसको जिसको पॉजिटिव आता है इनके कांटेक्ट में, हर कम्युनिटी वाला भी कांटेक्ट में आता है, जो व्यापार है व्यापार के साथ जो कस्टमर्स आते हैं ना, पूरा हर कम्युनिटी वाला का भी प्राइमरी कांटेक्ट सेकेंडरी कांटेक्ट मेडिकल इलाज दिला के और लॉज में रखे और होम क्वारंटाइन करके पूरा ज़्यादा स्प्रेड हो के ज़्यादा को तकलीफ नहीं होना जैसा हम काम कर रहा। रमजान महीना बहुत इसके लिए रिलीज जैसे प्रैक्टिस करने का होली महीना है, ये महीना में भी ज़्यादा जना ज़्यादा लोग इकट्ठा होकर इफ्तार में टाइम और नमाज के टाइम ऐसा ज़्यादा वो एक से दूसरा को तकलीफ नहीं होना जैसा करने के लिए गवर्नमेंट कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाला सो ये हमारा रिक्वेस्ट है डिपार्टमेंट से खुद के ओर से भी, और ज़्यादा दूसरा को जो रिलीजियस प्रैक्टिस करने के लिए कोई बीच में नहीं आएगा, पूरा हम फैसिलिटेट करेंगे। और इसके साथ ही साथ नमाज जो घर में खुद का घर में नमाज पढ़ने के लिए और पड़ोसी लोग जमा नहीं होने का है, इफ्तार को खोलने के टाइम भी, इफ्तार करने के टाइम, रोजा छोड़ने के टाइम भी ज़्यादा लोग जमा होकर नहीं करने का, खुद घर में चार पाँच लोग जितने लोग घर में रहते वो उतना ही कॉन्सेंट्रेट करिए। एक महीना इस बार रमजान थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस बहुत कर रहा, वो सबके अच्छे के लिए कर रहा, इसलिए कोऑपरेट करिए, डिपार्टमेंट के साथ ही दे, हम साथ हैं, हम पूरा रिलीजियस प्रैक्टिस करने के लिए हम फुल कोऑपरेशन करेंगे करके बेलगाम लोगों के और ख़ास तो खास हमारा मुस्लिम भाई और मुस्लिम बंधु के हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿರೇ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ। ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವಾಗೇನು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಏನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಾನವ ಕುಲಕೋಟಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದೊಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಜನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾರೈಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ। ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವೈರಸ್ಸು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹರಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಉಸಿರಾಟದಿಂದ ಹರಡುತ್ತೋ ಏನು ಉಗುಳಿನಿಂದ ಹರಡುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತಾರೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಪಕ್ಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಅಂದರೆ ದೂರ ದೂರ ಇರೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರೋದು, ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಸೇರದೇ ಇರೋದು। ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪೊಲೀಸರು ಹಗಲಿರಳು ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸಹ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋದಲ್ದೇ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ರಿ, ಬೇರೆ ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಸೇರಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಅಲ್ಲಾ ತಾಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ। ಕೊರೋನಾಕ್ಕೆ ನಾಮಸೋ ಬಿಮಾರಿಯ ಹೇ ಔರ್ ಈ ಬಡ ಮಡೋಕ್ಕೆ ಸಬ್ಕೋ ಪರಿಶಾನ್ ಕರ್ ರಖಾ ಹೈ, ಇಸ್ಮೇ ಬಿ ಏಕ ಅಲ್ಲಾ ತಾಲಾ ಕಿ ಹಿಕ್ಮತ್ ಹೈ ಕಿ ಜೊ ಆಪ್ಕೋ ಅಪ್ನೆ ಆಪ್ಕೋ ಸೂಪರ್ ಪಾವರ್ ಸಮಜ್ತೇ ಥೇ ವೋ ಭಿ ಮಜಬೂರ್ ಹೋ ಗಯೆ ಇಸ್ಕೆ ಸಾಮ್ನೆ, ತೋ ಇಸ್ಸೆ ಮಾಲೂಮ್ ಹೋತಾ ಹೈ ಅಲ್ಲಾ ತಾಲಾ ಮೌಜೂದ್ ಹೈ ಔರ್ ಅಲ್ಲಾ ತಾಲಾ ನೇ ಯೇ ಜೊ ಕಿಯಾ ಔರ್ ಇಸ್ಸೆ ತದಾರುಕ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಇಸ್ಸೆ ಬಚನೇ ಕೆ ಲಿಯೆ ಕಿ ಕೈ ಲೋಗ್ ಏಕ್ ಜಗಾ ಜಮಾ ನೀ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೆ, ಇಸ್ ಲಿಯೆ ಹುಕೂಮತ್ ಕೆ ಜಾನಿಬ್ ಸೆ ಜಮಾ ಹೋನೇ ಕೆ ಲಿಯೆ ಘರ್ ಸೆ ಬಾಹರ್ ನಿಕಲ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಮನಾ ಕಿಯಾ ಗಯಾ ಹೈ, ತೋ ಹಮಾರೀ ತಮಾಮ್ ಲೋಗೋ ಕಿ ಔರ್ ಮುಸಲ್ಮಾನೋ ಕಿ ತರಫ್ ಸೆ ಔರ್ ಶರೀಅತ್ ಮೇ ಭಿ ಇಸ್ಕಿ ಗುಂಜಾಯಿಶ್ ಹೈ ಕಿ ಐಸೆ ಹಾಲಾತ್ ಮೇ ಜಬ್ ಬಿಮಾರಿ ಫೈಲ್ನೆ ಕಾ ಇಮ್ಕಾನಾತ್ ಹೈ तो मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने के बजाय घरों में नमाज़ का अहतमाम करें, ज़्यादा जम में गफीर ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो हुकूमत हिदायत दी है उस पर अमल पैरा हो जाए। और हम दरख्वास्त किए हैं वो इनसे भी, हुकूमत वालों से भी, बलगाम के ज़िम्मेदारों से भी कि कम अज़ कम जो है अज़ान और माइक का इस्तेमाल करने के लिए नहीं देते हैं तो कम अज़ कम रोज़ा खोलने, रोज़े का टाइम हो गया, इफ्तारी का टाइम ख़त्म हो गया और सहरी का टाइम ख़त्म हो गया, ये बताने के लिए जो है इतने तो इजाज़त दी जाए। और बेहतर यह है कि हम इसकी हिफाजत करने के लिए अपने अपने घरों में ही नमाज का अहतमाम करें। शहर के सियासी रहनुमा और उलमाए इकराम मुख्तियार अज़लान के दरमियान पुलिस हमले की मौजूदगी में, यहाँ के पुलिस ऑफिसरों की मौजूदगी में गुफ्तगू हुई। फराग बिल्ली के साथ सब लोगों ने अपने अपने ख्याल रखे, ज़रूरत का हमारी अपनी क्या ज़रूरत है उसको भी पेश किया गया। और ये तमाम बातें होने के बाद भी सिर्फ रोज़ा खोलो और सहरी का वक्त ख़त्म हुआ, इसकी परमिशन माइक पर होगी, बाकी किसी चीज़ पर माइक का इस्तेमाल नहीं होगा। ये इस अंदाज़ में
گفتگو ہو کر تمام لوگوں کا ایک بات پر اتفاق کرنے کے بعد آج کی مجلس برخاست کی گئی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ یہ قید و بند کی زندگی سے بہت جلدی آزادی عطا فرمائے, گاؤں اور ملک میں امن و امان قائم کرے اور ملت میں اتحاد و اتفاق کو قائم و دائم رکھے اور عاقبت کے حساب سے اللہ تعالیٰ ہم کو سرفرازی عطا فرمائے. کرونا کی بیماری جو بیلگام ضلع میں کافی پھیل چکی ہے اور ایک بیلگام سٹی کا کافی ایریا ریڈ اسپاٹ ایریا بن گیا ہے, اسی سلسلے میں ہمارے علماء اکرام اور پولیس آفیسروں سے آج کی میٹنگ ہوئی. ہم نے ان سے درخواست کی ہے کہ جیسے مفتی صاحب اور کٹگری حضرت نے بتایا کہ روزے کا وقت ختم ہوا اور افطاری کا وقت ختم ہوا کر کے روزہ کھولنے کی جو ہم مائک میں ہمیشہ دیتے ہیں اسے ہمیں پرمیشن دی جائے, تو انہوں نے بتایا ہے کہ تو ڈی سی صاحب سے بات کر کے ہمیں آج شام تک یا کل تک بتائیں گے. ہماری سبھی سے یہی عجیب اپیل ہے کہ رمضان کا مہینہ پاک مہینہ, ہم اپنے گھروں میں نمازیں پڑھیں, روزے رکھیں, دعائیں مانگیں کہ اللہ پورے دنیا میں جو بیماری پھیل چکی ہے اسے ہمیں آزاد کر دے. وقت کی ضرورت تھی اور پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی ایشور کیا گیا کہ پورا کوآپریشن رہے گا اور پولیس ڈپارٹمنٹ بھی چاہتی ہے کہ یہ بیماری بھی زیادہ پھیلے نہیں, ہم سب مل کر اس کو ہمارے دیش میں پوری طرح سے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. ہمارا اور یہ رمضان کا جو بہت ہی پوتر مہینہ ہے یہ پیسفلی گزر جائے, اور ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ ہم نے بتایا کہ یہ کورونا وائرس نہ ہندو ہے نہ مسلمان ہے اور ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے, کرتویہ ہے کہ سرکار کے جو قانون ہیں پرشاسن کے طرف سے جو آدیش ملتے ہیں اس کو ہم سختی سے پالن کریں. وہ ڈپارٹمنٹ کو دیے جا چکے ہیں لیکن بیلگام کے حالات سازگار ہیں, اس وجہ سے تھوڑا بہت کمپرومائز کر لیا گیا ہے اور تمام بیلگام کے جو مساجد ہیں اور رمضان المبارک کے مہینے میں امام مؤذن اور دو آدمی کو آئی ڈی ایشو کیا جائے گا اور تمام مسجدوں میں انشاءاللہ نمازیں ہوگی. ہماری یہی دعا ہے کہ یہ بیماری جڑ سے نکل جائے اور تمام جو ہے صحت یاب ہو کر اپنے اپنے گھر واپس جائے.